वक्त की बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां प्रदर्शन कर रहे एसटीईटी अभ्यर्थियों पर पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया है। रिजल्ट में धांधली के खिलाफ एसटीईटी अभ्यर्थियों ने सचिवालय के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर हंगामा किया और रोषपूर्ण नारेबाजी की। एसटीईटी अभ्यर्थियों को शांत कराने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल पहुंची। छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। इधर एसटीईटी अभ्यर्थियों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने भी लाठियां भांजनी शुरू कर दी। पुलिस की लाठी चार्ज में दर्जनों छात्र घायल हो गए हैं। इस दौरान सड़क पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। आक्रोशित एसटीईटी अभ्यर्थियों ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर पर पैसे लेकर धांधली करने का आरोप लगाया है। एसटीईटी के अभ्यर्थियों का कहना है कि सचिवालय के सामने वे शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, इसी दौरान पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज कर दिया। पुलिस के इस लाठी चार्ज के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। लाठी चार्ज में कई अभ्यर्थी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताते चलें कि बिहार स्टेट टीईटी एग्जाम 2019 के क्वालिफाइड अभ्यर्थियों ने सचिवालय में जमकर बवाल किया। अभ्यर्थी सर्टिफिकेट से मेरिट और नॉन मेरिट का कॉलम हटाने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि सरकार जब तक उनकी बात नहीं मानेगी तब तक वे सचिवालय के बाहर ही डटे रहेंगे। क्वालिफाइड होने के बावजूद मेरिट में शामिल नहीं होने वाले छात्र सचिवालय कैंपस में घुस गए। गेट पर तैनात गार्ड ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्हें धक्का दिया और अंदर घुस गए। गुस्साए छात्रों ने बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर का पुतला भी फूंका। विमर्श न्यूज पटना।